सुहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ा गांव में उस समय भय का माहौल व्याप्त हो गया जब वंदना सिंह नाम की महिला ने शोर मचाते हुए बताया कि उसके ऊपर शेर ने हमला किया है। मामले की जानकारी लगते ही लोग अपने घरों में छुप गए। कुछ समय बाद मुन्नी देवी नाम की महिला अपने बाड़े में जैसे ही लौकी तोड़ने पहुंची तो उसके ऊपर तेंदुए ने हमला कर दिया। महिला ने शोर मचाकर किसी तरह से भागकर अंदर पहुंची और अपनी जान बचाई। यह खबर पूरे गांव में धीरे धीरे आग की तरह फैलती गई। कुछ ही समय बाद पप्पू पटेल नाम के व्यक्ति जो अपने भैंसों को दाना पानी देने के लिए पहुंचे थे वो कमरे में प्रवेश किया तो तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया। पप्पू कुछ देर तक संघर्ष करने के बाद किसी तरह तेंदुए को जानवरों को भूसा खाने के लिए बनाई गई चेहरी पर गिराने में सफल रहे और भागकर अपनी जान बचाई। जब लोगों को पता चला कि तेंदुआ एक कमरे में जानवरों को खा रहा है तो बाहर से दरवाजा बंद कर दिया गया और सुहागी पुलिस के साथ फॉरेस्ट विभाग को सूचना दी। मौके पर सुहागी पुलिस के साथ चाकघाट थाना प्रभारी पवन शुक्ला पहुंचे और फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों को सूचना देते हुए जीवा से रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। मौके पर पहुंची मुकुंदपुर वाइट टाइगर सफारी की रेस्क्यू टीम ने तेंदुए को बेहोश कर पकड़ने में सफलता प्राप्त। घायल पप्पू पटेल ने बताया कि उसकी दो कीमती भैंसों के साथ एक बछड़े को तेंदुआ खा गया जबकि वह अपनी जान बचाने में किसी तरह सफल रहा। आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी से एक तेंदुआ अपना पिंजरा तोड़कर भागने में सफल हो गया था। अभी तेंदुओं को पकड़कर उसी पिंजरे में रखा जाएगा। तीनों घायलों को तेवथर स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। रास्ते हल्ला हल्ला करे आपने हल्ला गुहार कुछ किया? हाँ, हल्ला हल्ला किया। सब लोग आए जो इकट्ठा हुए नाली में गिर गए थे गड्ढा में।